इस वीडियो में हम जानकारी लेते हैं सामाजिक विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो भी छात्र, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल यानी कि लाभदायक साबित होने वाली है। जैसे कि क्लास जो भी 8th के स्टूडेंट हो, या 9th के, या 10th के, या 11th के हो, या 12th के हो, या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी हों, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे सामाजिक विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण कुछ VVI क्वेश्चंस के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पर दिए गए हैं, और उनके विकल्प के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और आसानी से उसे हम टिकअप करने का प्रयास करेंगे। आइए इन प्रश्नों को एक-एक करके इनके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध के बारे में देखिए, समझिए, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह 1757 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे और सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। लेकिन ध्यान देंगे कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने विजय हासिल की थी। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों की तरफ से प्लासी के युद्ध में जो मेन अंग्रेज जो थे, नेतृत्व जो कर रहे थे, वह रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वह गवर्नर जनरल थे। प्लासी का युद्ध में मेन किरदार के रूप में अहम किरदार निभाए थे अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट बात करते हैं, कपास की खेती किस मिट्टी पर की जाती है? कपास की जो खेती होती है वह ज्यादातर, वह सबसे ज्यादा जो शुभ अच्छी मृदा यानी कि मिट्टी यानी कि सोयल जो मानी जाती है वह काली मृदा पर होती है। काली मृदा पर सबसे अच्छी कपास की फसल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक कपास की खेती किस राज्य में होती है? किस राज्य में उत्पन्न की जाता है, उत्पादन किया जाता है कपास की खेती का? तो वह राज्य जो है वह है गुजरात। गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा काली मृदा है वहां पर, यानी कि काली मिट्टी है, जिस कारण से सबसे उपजाऊ कपास फसल के लिए जो मिट्टी होती है वह काली मिट्टी होती है, गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर बालू ही बालू हो, जहां पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान हो? सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह थार रेगिस्तान है इंडिया का, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान जो है वह मरुभूमि यानी कि डिजर्ट वाला सबसे ज्यादा यहीं पर प्रदेश माना गया है बालू के क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करते हैं, योगासन किस अवस्था में मनुष्य के करना चाहिए? योगासन यानी कि एक्सरसाइज, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम किस उम्र में मनुष्य को करना चाहिए? देखिए, बाल्यावस्था में यानी कि बचपन में, चाइल्डहुड में, युवावस्था में यानी कि जब यंगेस्ट हो तब, वृद्धावस्था में यानी कि बुढ़ापा में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सभी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, सभी में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? सबसे पहली बार जब इंडिया को आजादी मिली थी, जब हमारे देश भारत को आजादी मिली थी, तब पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? वह हुआ था 1952 में, यानी कि 1952 ईस्वी में। इसे हम क्लियर कर लेते हैं, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था, यानी कि घोषणा किसने किया था, किसने शुरू किया था, कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए कहा, इस तरह का नारा दिया, यह एक प्रकार का नारा भी है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कहा था। यह जो भारत छोड़ो आंदोलन की यह जो क्रांतिकारी मेन कहे जाते हैं वह महात्मा गांधी। कब स्टार्ट हुआ था याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942 को यह शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ, बिरसा मुंडा का जन्म
कब हुआ था, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, जो बिरसा मुंडा को धरती का आबा तक कहा जाता है, और झारखंड का भगवान तब इन्हें उपाधि से नवाजा गया है, ये विख्यात है। झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा को ही कहा जाता है, और धरती का आबा, धरती पुत्र भी इन्हें कहा जाता है। तो इनका जन्म जो हुआ था वह 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर जो है वह यही है, 15 नवंबर के ही कारण झारखंड राज्य को स्थापना दिवस मनाया जाता है इन्हीं के नाम पर। बिरसा मुंडा की जन्म दिवस 15 नवंबर को ही हुआ था 1875 में, 1875 में, इसीलिए 15 नवंबर को ही झारखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी वह 1900 ईस्वी में हुई थी, 1900 ईस्वी में रांची के जेल में हुई थी, 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कौन सा ऐसा भारत का सबसे हाईलाइट सिटी है, यानी कि शहर है जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो वह है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट, यह जो तीनों मशहूर शहर है वह गुजरात के तीनों मशहूर शहर है गुजरात के। और मुंबई भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह मुंबई है। ध्यान देंगे कि बंदरगाह कहेंगे किसको, यातायात का जो साधन होता है समुद्री मार्ग से, जो यातायात का जो साधन होता है, बड़े बड़े जहाजों का ठहरने का जगह को बोला जाता है बंदरगाह, बंदरगाह कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह मुंबई है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को, कोयला में आंसर नहीं मारेंगे, कोयला में टिक अप हम नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी यहीं पर गलत कर देते हैं कि कोयला जो है वह काला होता है और कोयला काफी महंगा बिकता है, जिस कारण से इसे काला सोना समझ लेंगे और यहीं पर ये गलती कर देते हैं, लेकिन गलती नहीं करना है। पेट्रोलियम से ही डीजल, किरोसिन तेल और पेट्रोल बनाया जाता है। पेट्रोलियम से बहुत सारे ईंधन निर्मित होते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम जो होता है वह धरती के बहुत ही अंदर तक, गहराई तक उसे खोजा जाता है, बहुत ही नीचे होता है। खनिज का मतलब होता है वह पदार्थ, खनिज यानी कि मिनरल, वह पदार्थ जिसे पृथ्वी के धरातल से खोद कर निकाला जाता है खनन विधि द्वारा, यानी कि खोद कर उसे निकाला जाता है, उसे खनिज कहते हैं, यानी कि मिनरल कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह पेट्रोलियम हो जाएगा, काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, झारखंड में अबरख का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, झारखंड का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जिला है जो सबसे ज्यादा अबरख यानी कि मुरादा, जिसे ताजिया में लोग लगाते हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन वाला जिला है, तो वह है कोडरमा। राइट आंसर जो हो जाएगा वह कोडरमा हो जाएगा। रांची, पलामू और दुमका ये झारखंड राज्य के ही जिले हैं, उपराजधानी झारखंड का जो है वह दुमका है और झारखंड की राजधानी जो है वह रांची है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है, यानी भारत देश का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, तो वह होता है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद माना गया है, सबसे बड़ा पद, और देश का पहला नागरिक भी होता है राष्ट्रपति, सबसे बड़ा, सबसे पहला राष्ट्रपति नागरिक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है, कानून लाती है, तो वह होती है सांसद, यानी कि पार्लियामेंट, विधानसभा में विधायिका, विधायिका कानून बनाती है, विधायिका कानून बनाती है सांसद में। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में हमने जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत ही वीवीआई थे और ऑब्जेक्टिव टाइप पर थे और विकल्प के अनुसार थे। ये जो क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और इससे यह काफी स्टूडेंट को हेल्पफुल इस वीडियो में साबित होगी, मिलेगी। तब तक के लिए
मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।